हाय गाइस, आज हम यूजीसी के नेट के सेंटर पे इकट्ठा हुए हैं। आज हम डायरेक्ट बच्चों से इंटरव्यू करके पूछेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताइए, आज आपका किस चीज़ का पेपर था? सर, मेरा मैनेजमेंट था। ओके, नंबर 17। ओके, हाँ तो सर, सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपकी जो वेबसाइट है, मैं उसे मैम को और सर को बराबर फॉलो करता हूँ। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी उन्होंने बताई थी, जिस हिसाब से क्वेश्चन कराई थी, क्योंकि रिविजन सीरीज जो 30 डेज की चली थी, मैं उसका मतलब फॉलोवर हूँ और मैं हर चीज़ फॉलो करता हूँ। पेपर जैसा मैम ने समझाया था, जैसे सर ने बताया था, या कॉमर्स हो या मैनेजमेंट हो, तो दैट्स वॉज वेरी गुड। माय पेपर इज़ वेरी गुड, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। सो कितना एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस में, मतलब आई टारगेट पेपर फर्स्ट इन 40 एंड पेपर सेकंड इन 60 क्वेश्चन। सो आपके टारगेट के अकॉर्डिंग हुआ है आज का पेपर आपके? या होप सो। ओके, सो लगता है कि इस बार हो जाएगा? जी जरूर हो जाएगा, श्योर। थैंक यू सर। ओके, अच्छा कोई क्वेश्चंस वगैरह याद हैं आपको, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या मतलब लेवल क्या था, डिफिकल्टी लेवल क्या था? हाँ, लेवल जो जैसा कि आपके जो सीरीज में चल रहा था लेवल, वही लेवल था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आपका DI बहुत इजी था। हाँ, बिल्कुल, आप मतलब देखिए, वॉच करिए और हो जाएगा। मैथ से कुछ एक रीजनिंग का सर एक क्वेश्चन आया था कि एहन इक्वल टू इतना और वो, लेकिन उसमें बहुत लॉजिक लगाना पड़ा था, लेकिन आ गया था, लेकिन वो मतलब थोड़ा, लेकिन पेपर जो इतना भी था एवरेज अच्छा था पेपर। ओके, चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप पेपर के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? पहला फर्स्ट पेपर जो था वो थोड़ा इजी था मतलब, और जो सेकंड पेपर था थोड़ा सा वो ज़्यादा टफ था कंपेरेटिवली। ओके, तो आपका किस सब्जेक्ट का पेपर था? हमारा मैनेजमेंट से था। ओके, तो मतलब कि आज का जो पेपर हुआ है वो ज़्यादातर मैनेजमेंट का ही हुआ है? जी। ओके, ठीक है। तो क्या मतलब आपको कैसा लगा कि पेपर किस टाइप का आया था, क्वेश्चन कैसे थे उसमें? क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन उसमें जो है मतलब जो थोड़ा सा डीप थे, ये समझ लीजिए कि UPSC में से का पैटर्न होता है ना, उसी टाइप का थोड़ा सा। सेकंड वाला खासकर, फर्स्ट पेपर था थोड़ा इजी था मैनेजमेंट वालों के लिए, मतलब चूँकि हम सब लोग क्वांट वगैरह तो हमारा इजी होता ही है, कमांड वगैरह, लेकिन जो ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा उसके लिए ज़्यादा स्टडी करी, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन था। अच्छा, फाइनेंस के ज़्यादा क्वेश्चन, वो तो पेपर टू में होंगे आपके फाइनेंस के क्वेश्चन। ओके, और पेपर वन काफ़ी इजी आया था वहाँ पर। ठीक है, ओके, थैंक यू। सो हमने देखा कि बच्चे बता रहे हैं पेपर वन काफ़ी इजी आ रहा है और पेपर टू थोड़ा सा टफ है, लेकिन वो भी कंपेरेटिवली हो जा रहा है। सो हमने पिछली बार भी काफ़ी एनालिसिस करे थे, उसके अंदर पेपर वन काफ़ी इजी हमने देखा। आप देख सकते हैं DI भी काफ़ी इजी पोर्शन पूछा गया है DI के पोर्शन से, एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम है इस बार। सो आप अच्छे से उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक दो और इंटरव्यू करते हैं और पूछते हैं कि आखिर और पेपर के अंदर क्वेश्चन किस किस टाइप के आ रहे हैं। चलिए, हेलो, आपका मैनेजमेंट का पेपर था आज, तो आप बताना चाहेंगे पेपर के बारे में थोड़ा बहुत? तो पेपर बन कैसा रहा था? पेपर और सिंपल था, जनरल अवेयरनेस पे था, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई करने में। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन पाया आया था, अगर कोई बंदा नॉर्मल सी प्रिपरेशन करता है तो इजली वो क्लियर कर सकता है। ओके, तो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे आप बता सकते? MCQ बेस्ड क्वेश्चन थे, लाइक आपको लॉजिक लगाना था, जैसे कोई दो स्टेटमेंट दिए हैं उस पर आपका सर्च करना था कि दो SSN रीजनिंग वाले कह रहे हैं आप। रीजनिंग है, दैट मीन्स रीजनिंग, तो दैट मीन्स दो कथन होते हैं, दो कोई स्टेटमेंट है उस पर आपको आइडेंटिफाई करना कि व्हिच वन इज करेक्ट और व्हिच वन इज नॉट करेक्ट, और आइदर बोथ आर करेक्ट और बोथ आर इनकरेक्ट, लाइक दिस फर्स्ट क्वेश्चन था। एंड सेम बेसिकली जो सेकेंड क्वेश्चन था वो था मेन कोर्स पे, आपके मेन स्टडी मटेरियल क्या रहा है, लाइक मेरा था मैनेजमेंट का, तो उस बेस पे सारे फिर सेकेंड पेपर था। करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं अप्रॉक्स? 5 क्वेश्चन थे करंट अफेयर से। अच्छा, और बाकी कुछ क्वेश्चन आपको याद हैं? क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, लाइक मैं मैथ्स में एक क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे कि प्रॉफिट बेस पे था कि, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस निकालना था उसमें। हाँ, प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना था। अच्छा, और ये तो DI में आया होगा, तो अनसीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसा था? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे 5 क्वेश्चन आए थे। ओके, और किस टाइप की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थी कुछ? बेसिकली एक पैराग्राफ दिया था, किस टॉपिक कुछ पैराग्राफ और टॉपिक था अवेयरनेस से रिगार्डिंग था कुछ टॉपिक। अच्छा, तो आपको अभी क्लियरली याद नहीं है कि कौन सा? नहीं, अभी क्लियरली याद नहीं है, क्योंकि 3 घंटे का टाइम होता, लास्ट में मेरे 50
20 मिनट बजे तब मेरे को करीब 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे. ओके. तो सारा ओवरलैप हो रहा था उस टाइम पे. ओके. तो मतलब आप टाइम की एडजस्टमेंट की वजह से आप क्वेश्चन रिमेंबर नहीं कर पा रहे. हाँ वही है. ओके ओके ठीक है जी. ओके थैंक यू. सो देखा हमने कि करंट अफेयर्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अभी पता चला है कि करंट अफेयर्स से अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप उस पर भी काफ़ी अच्छे से फोकस कर सकते हैं करंट अफेयर्स पे. और देखिए DI और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जहाँ तक है ये काफ़ी इजी आ रहा है, तो आप उस पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लेकर आप अपने पेपर 2 पे अगर फोकस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और वो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप ऐसा कंटेंट और चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें. ओके.